एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी का आपके चैनल भारतीजा खाना खजाना ब्लॉग्स में। तो गाइज कैसे हैं आप सभी, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बना रहे हैं सभी के लिए जो है चने दाल की जो है सब्जी, जिसके लिए हमने जो 250 ग्राम चने लिए उसको रात भर भिगो के रख दिए। उसके बाद अच्छे से हमें वाश कर लेना है, क्योंकि हमें ये सब्जी जो 8 से 10 आदमी के लिए जो बनानी है, तो हमें 250 ग्राम ले लेनी है चना रात भर भिगो के, चना के दाल, इसको भिगो के पूरे रात छोड़ देना है ऑल नाइट। और उसके बाद जो है हम सुबह में इसे अच्छे से वाश कर लेंगे। वाश करने का मिक्सी जार में इसे हम लेके अच्छे से पीस लेंगे, इसमें लहसुन का कुछ कलियाँ रख के। तो ये देखिए हमारा जो यहाँ पे ये चना दाल अच्छे से यहाँ पीस गए हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है गाइस, जिसमें जो हमें एक कटोरी लेना है उसमें रख लेना। उसके बाद हमें जो है मसाला रेडी कर लेना है इसका ग्रेवी के लिए। तो लहसुन ले लिए और हमने यहाँ प्याज ले लिए और 2 से 3 हरी मिर्च ले लिए, क्योंकि हरी मिर्च में जो है स्वाद बहुत अच्छी आती है, इसलिए हरी मिर्च जरूर दी है। देखिए जुड़वा मिर्च भी था यहाँ पे, हमारे पास जुड़वा मिर्च है यार, बनाना जुड़वा देखे थे मिर्च, आज फर्स्ट बार देख रहे हैं। उसके बाद हमने 1 चम्मच जीरा रख दिए और आधा प्याज हम उसमें रखेंगे, यानी कि 1 प्याज पीस के रखेंगे और 1 जो है ऐसे ही काट के रखेंगे चॉप करके। उसमें थोड़ा सा पानी रख के इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर और इसके बाद जो अजवाइन मंगरेला और इसके बाद स्वाद अनुसार नमक, यानी 1 चम्मच हमने नमक रखे हैं। उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है और इसमें आप चाहे तो इसमें हींग भी रख सकते हैं, इससे जो इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। पसंद ना हो तो बहुत आदमी को हींग का स्मेल पसंद नहीं होते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से फेंट लेनी है और फेंटने के बाद इससे जो हमें है इस प्रकार से जो है कचरी, यानी कि इसके जो है यानी कि इस प्रकार से कचरी बना लेने हैं। तो ये देखिए अब फेंटना अच्छे से, ताकि इसमें जो गांठ ना रहे, इसीलिए इसको अच्छे से फेंटना है। तो मैंने जिस तरह से इसको फेंटे हैं, इससे क्या होंगे हमारे जो ये पकौड़े की सब्जी जो है ना, बहुत ही फुली फुली, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट मुंह में घुलने वाले होंगे। तो आप कढ़ाई रख देंगे, कढ़ाई जैसे गर्म हो जाए तेल रखनी है, और उसके बाद इसमें हमें जो है कचरी इस प्रकार से इसको चपटा करके तेल में रख देना है और इसे अच्छे से जो है डीप फ्राई सुनहरा जो है तल के निकाल लेनी है। और उसके बाद हमने जो मसाला पीस के रखे थे उसको रखनी है, और वो तो जैसे हम लोग नॉर्मली सब्जी रखते हैं तो उतना बता नहीं, क्योंकि हम जब रोज़ बनाते हैं उस सब्जी को तो मेरा किचन में ज़्यादा ये नहीं रहता है ना। नॉर्मल से जो है आओ और नॉर्मल बनाओ और टेस्टी टेस्टी खाना का जो है लुत्फ़ उठाओ, तो ज़्यादा ना परेशानी ना झंझट, सिंपल एंड हेल्दी एंड टेस्टी रहता है हमारा। तो ये इस प्रकार से हमें जो है अच्छे से डीप फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए हमने अच्छे से इसको डीप फ्राई कर लिया, देख सकते हैं ये अच्छे से फूल भी गए हैं। तो देख सकते हैं अभी से ही अपना जो है रिजल्ट दिखा रहे हैं, जो फेंटने से कोई भी चीज़ उसका जो होता है ना स्मूथिंग हो जाते हैं अच्छे उस जो फूलते हैं। और तो ये देखिए हमने इसे छान के निकाल दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से वही कहानी, उसमें मसाले रखनी है, जो कि ये देखिए वहाँ कितना सॉफ्ट सॉफ्ट, ऐसे भी आप इसको चटनी के साथ खा सकते हो, चाय के साथ खा सकते हो। और जो है यहाँ देखिए इसको पानी में रखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये हमने मसाला वही प्याज रखे हैं, उसके बाद जो फ़ौरन रखे हैं प्याज रखे हैं, उसके बाद हमने जो मसाला पीसे थे वो रखे हैं, जो मसाला आपके सामने ही ना रेडी किए थे उसको रख दिए। उसके बाद इसमें हमें रखनी है स्वाद अनुसार जो हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर। तो हमने रखे हैं यहाँ पर 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। मसाले भून गए तो हमने ग्रेवी लगा दी, और ग्रेवी में सभी हमने जो पकौड़े बनाए थे उसको रख के 2 उबाल आने के बाद गैस को